हाय हेलो ऐसे, और क्या हाल चाल है आप सब? क्या ही हो आप लोग अच्छे? और एक टाइम में से मंगल में से मैं ये रही ना, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो ये ओमी 44 का अपडेट है। ये आप लोग जैसे यहाँ पे अपडेट करके खोलोगे तो आप लोग ओमी 44 के अपडेट के बाद में क्या क्या नया देखने के लिए मिलेगा और गेम के अंदर क्या क्या खतरनाक चेंजेस होने वाला है वो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो पॉडिंग पैड है ना, ये आप लोग जो इफो एक्सेस पास खरीदोगे तो यहाँ पे से जो पॉडिंग पैड है ये आप लोग ले सकते हो। मतलब अभी रिटर्न में तो नहीं आ रहा है, बट आप लोग अगर इफो पास जो यहाँ पे खरीदोगे तो आप लोग का जो पॉडिंग पैड है ये आप लोग कुछ दिन के लिए ले सकते हो। परमानेंट तो नहीं मिलेगा, बट आप लोग पॉडिंग पैड को कुछ दिन के लिए यूज़ करने को ले सकते हो। और इफो एक्सेस पास आप लोग खरीदोगे तो आप लोग को ईवीएस भी मिलेगा, और इफो एक्सेस पास आप लोग परचेस करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा 100 डायमंड बिल्कुल ही फ्री में। सो फर्स्ट टाइम परचेस करने पर मिलेगा। और अपडेट के बाद में सब गाड़ी आप लोग चारों तरफ अभी के टाइम में मतलब ऐसे देख सकते हो, फ्री लोग होता है अभी के टाइम में। अपडेट के बाद में ये फ्री लोग आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। जिधर गाड़ी से जाओगे बस आप लोग को आगे का और साइड साइड का दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा। सो फ्री लोग अपडेट के बाद में गाड़ी चलाते वक्त आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अपडेट के बाद में सो इफो इवेंट के अंदर में आप लोग को फाइनल शॉट देखने के लिए मिलता है ना, तो आप लोग ये फाइनल शॉट है अगर आप लोग पूरा ही पूरा कर लेते हो, लास्ट वाले बंदों को मारते हो, मैच का जो लास्ट बंदा होता है उसको मारते हो, तो जाके आप लोग को गेम के लास्ट में गोया के टाइम में देखने के लिए मिलता है। बट अपडेट के बाद में ऐसा होने वाला है, ये सब फाइनल शॉट है ना, आप लोग किसी भी स्क्वेड के लास्ट बंदे को मारोगे, मतलब एक जो बचा होगा बंदा, मतलब किसी भी स्क्वेड के आप लोग लास्ट बंदे को मारोगे सो उसके स्क्वेड में बचाए, तो आप लोग को ये सब फाइनल शॉट है उसके ऊपर में देखने के लिए मिलेगा। मतलब जिसके पास अपग्रेडेड ये वाली गन है तो उसके तो आप मजे ही मजे है अपडेट के बाद में, क्योंकि किसी भी स्क्वेड के लास्ट बंदे को मारोगे तो यहाँ पे जो फाइनल शॉट है आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, तो मजा ही मजा आने वाला जिसकी अपग्रेड है फुल। और अपडेट के बाद आप लोग अपने फ्रेंड लिस्ट से किसी को भी हटाना चाहते हो तो आप लोग को एक एक करके सबको डिलीट करना पड़ता है, और आप लोग को एक एक डिलीट मतलब एक एक बंदे को डिलीट करोगे तो आप लोग को मतलब बहुत टाइम हो जाता है। और आप लोग को पता होगा तो आप लोग को बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, तो आप लोग एक बार में रिजेक्ट ऑल कर देते हो तो सारा जो रिक्वेस्ट है वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही ओमी 44 अपडेट के बाद में होने वाला है। आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी फ्रेंड में आपके बनने हैं ना, आप लोग एक एक करके डिलीट करने जाते हो तो आप लोग को बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप लोग एक बार में सारे जितना भी आप लोग को फ्रेंड लिस्ट में जितना भी बनना है सो सबको आप लोग एक बार में ही डिलीट मार सकते हो। फ्रेंड लिस्ट के अंदर में फिर कोई रहेगा ही नहीं, आप लोग सारे अपने फ्रेंड को डिलीट कर सकते हो एक साथ में। और अपडेट के बाद में आप लोग बायो के अंदर लिखते हो पैट रैंक पोस्ट, या फिर आप लोग लिखते हो आईडी फॉर सेल, या फिर सेल फॉर आईडी, या फिर पैट रैंक पोस्ट आप लोग यहाँ पे रस लिखते हो, सॉरी रस नहीं, आप लोग रैंक पोस्ट यहाँ पे लिखते हो, तो वैसे को पैट रैंक पोस्ट आप लोग लिखोगे तो सबसे पहले तो आप लोग की आईडी में यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे गरीना वालों ने देख दिया आप लोगों को पकड़ लिया, तो यहाँ पे देखो आपकी आईडी का जो बायो है ये आप लोग का 90 दिन के लिए लॉक हो जाएगा, 90 दिन तक आप लोग बायो में कुछ लिख ही नहीं पाओगे। फिर आपके जो अकाउंट है वो 14 डे के लिए यहाँ पे लॉक हो जाएगी, 14 डे तक खुलेगा ही नहीं। और आपका जो रैंक है सी एस और वी आर रैंक, मतलब आप लोगों ने जितना भी पोस्ट करके रखा है वी आर और सी एस में, आप लोग ब्रॉन्ज में आ जाओगे, यहाँ पे आप लोग को इतना सारा देखने के लिए मिलेगा पनिशमेंट अगर आप लोग रस लिखते हो, सॉरी फैट पोस्ट लिखते हो तो। और आप लोग बायो में कुछ लिखते हुए यहाँ पे सेकेंड टाइम पकड़े जाते हो तो आप लोग का आईडी में पता है क्या होगा, आप लोग के सब बायो है ये परमानेंट लॉक हो जाएगी, मतलब आप लोग अब जिंदगी भर अपनी आईडी के बायो में कुछ लिख नहीं पाओगे, इतना बड़ा सजा। और फिर यहाँ पे आपकी जो आईडी है वो 30 दिन तक खुलेगी नहीं, लॉक हो जाएगी। और आप लोग जितना भी रैंक पोस्ट करोगे वी आर और सी एस में जितने भी होंगे आप लोग का जो रैंक है वो ब्रॉन्ज में आ जाएगा। सो अपडेट के बाद में आप लोग को खतरनाक खतरनाक वाला पनिशमेंट लिखने के लिए मिलेगा आईडी फॉर सेल और बैड रैंक पोस्ट लिखोगे तो। और थर्ड बार अगर आप लोग पकड़ा जाते हो, तीसरे टाइम आप लोग पकड़ा जाते हो कुछ बायो में लिखते हुए, तो आपकी जो आईडी है ये परमानेंटली लॉक हो जाएगी, मतलब आप लोग की आईडी बैन हो जाएगी, समझो मतलब कभी खुलेगा ही नहीं। सो इस गलती से भी अपडेट के बाद में जो बायो है इसके अंदर भी कुछ भी यहाँ पे पैटरिंग पुस्ट या फिर आईडी फॉर सेल कुछ भी मत लिख देना, या तो फिर आपकी आईडी चली जाएगी और आप लोग को इतने सारे पनिशमेंट मिलेगा, वो फिर स्कूल में तो कैसे पनिशमेंट होता है, गेम के अंदर भी आप लोग को मिलेगा क्या ही है। और फिर देखो इस जो गिल्ड है ना, गिल्ड के अंदर भी आप लोग को पनिशमेंट मिलेगी अपडेट के बाद में, अगर आप लोग स्लम के अंदर में कुछ उल्टी फुलटी सीन्स लिखते हो जैसे पैट पुस या फिर आईडी फॉर सेल, तो आपकी जो गिल्ड है इसको पनिश
पनिशमेंट मिलेगा और 1000 जो यहाँ पे पॉइंट है वो एक दिन में माइनस हो जाएगा और साथ में जो आपकी गिल्ड है वो भी हटाई दी जा सकती है। सो आप लोग क्या पे जो गिल्ड है गिल्ड में फुल्टी फुल्टी चीज मत लिखना। और ये सारी जो पनिशमेंट है ये 25 अप्रैल से गेम के अंदर में शुरू हो जाएगा। तो 25 अप्रैल के बाद में मतलब 25 अप्रैल के बाद से आप लोग यहाँ पे सो ये सारी चीज लिखते हुए आप लोग पायो या फिर गिल्ड में पकड़ते हो मतलब यहाँ पे गरीना वाले आप लोग को पकड़ते हैं तो आप लोग को बहुत सारी पनिशमेंट मिलेगी। सो ऐसा यहाँ पे मत लिखना गलती से भी। और देखो भाई सैंगर में आप लोग को अभी के टाइम में जो सीरियल ये आप लोग को इस साइड से देखने के लिए मिलती है, क्लेश स्क्वाड के अंदर भी आप लोग को इस साइड से ही देखने के लिए मिलते हैं। वो 44 मिनट के बाद में आप लोग को यहाँ पे ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा मतलब एनमी के पास से आप लोग क्लेश स्क्वाड के अंदर में जो सीरी है उसमें चढ़ना पड़ेगा मतलब गाइस कुछ भी। और इसका सीरी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इधर का इधर हो जाएगा। ये लोग सीरी को इतना चेंज कर रहा है, क्या ही चेंज लग रहा है। और बाकी आप लोगों को बताओ कैसा लग रहा है। और आप लोग को अभी पता है अभी 43 अपडेट में आप लोग रिवाइव करने जाते हो गाड़ी से या फिर आप लोग एयर ड्रॉप लूटने जाते हो गाड़ी से तो आप लोग को जो बंदे हैं वो तो वहीं पर मार देते हैं। बट अभी 44 अपडेट के बाद में आप लोग बंदों को मारोगे क्योंकि अभी 44 अपडेट के बाद में आप लोग कार से जाके महाराजा जैसे आप लोग यहाँ पे कार्ड में बैठे बैठे लूट सकते हो एयर ड्रॉप को और रिवाइव भी कर सकते हो। सो अभी 44 अपडेट के बाद में तो मज़ा ही आ जाएगा जो कार चलाना अच्छा जानते हैं। और ये सभी मैंने आप लोग को इतना सारा पनिशमेंट बताया बट मैंने आप लोग को एक चीज़ और बताई नहीं। सो आप लोग को यहाँ पे अगर आप लोग ग्लिच लगाते हो ना, ग्लिच लगा के किसी को गेम में हराते हो, मैच में हराते हो या फिर आप लोग यहाँ पे जो ग्लिच है वो आप लोग लगा के किसी भी टीममेट को हराते हो तो आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट टाइम पकड़ाते हो तो यहाँ पे आप लोग का जो रैंक है वो ब्रॉन्ज में आप लोग चले जाओगे। और आपकी जो आईडी है वो नेक्स्ट वाले ओवी 44 अपडेट नहीं अपडेट है जैसे अभी 43 चल रहा है तो OB44 अपडेट आने तक आप लोग का जो आईडी है वो लॉक रहेगा या फिर OB44 अपडेट में होगा तो OB45 अपडेट आने तक आप लोग की जो आईडी है वो लॉक हो जाएगी और आप लोग की जो यहाँ पे रैंक यहाँ पे पुश किया है वो ब्रॉन्ज में हो जाएगा। सो अगर आप लोग ग्लिच लगा के किसी को भी यहाँ पे मारते हो अपडेट के बाद में तो आप लोग का जो रैंक है वो माइनस हो जाएगा और आप लोग की आईडी लॉक हो जाएगी एक OB अपडेट तक मतलब आप लोग के अभी का OB अपडेट से नेक्स्ट वाले OB अपडेट तक आप लोग की जो आईडी है वो लॉक हो जाएगी। तो अगर आप लोग ग्लिच यूज करते हो तो गाइस अभी से मत करना या फिर दूसरी टाइम पकड़ाओ कि गरीना वालों ने पकड़ लिया तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी फिर परमानेंटली लॉक हो जाएगी फिर खुलेगी ही नहीं। सो अगर लगाते हो तो अभी से ही बंद कर दो लगाना और बाकी अपडेट के बाद में और भी मुश्किल हो जाएगा गेम खेलना। तो और देखो यहाँ पे आप लोग को जो गिल्ड बार है इसके अंदर भी चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोग को जो यहाँ पे गिल्ड स्टोर है इसके अंदर में जो वाले कटाने के स्किन है ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी वो भी परमानेंट नहीं मिलेगी आप लोग को बस 7 दिन के लिए यहाँ पे मिलेगी गिल्ड टोकन से एक्सचेंज करने पर। और गिल्ड बार के अंदर अभी के टाइम में आप लोग को बन मोड़ा ही मैप देखने के लिए मिलता है बट अपडेट के बाद में जो नेक्स्ट आ रहा है फिर यहाँ पे कल आ रही है आप लोग को 4 मैप देखने के लिए मिलेगा गिल्ड बार के अंदर। और आप लोग को अपडेट के बाद ट्रेनिंग के अंदर भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अपडेट। सो आप लोग जैसे PR के अंदर में आप लोग दूसरे कैरेक्टर के जो स्किल कार्ड है उसको खरीद सकते हो डुओ स्किल कर सकते हो वैसे ही आप लोग यहाँ पे डुओ स्किल ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर भी खेल सकते हो अपडेट के बाद में। आप लोग जो ट्रेनिंग ग्राउंड है इसमें आने से पहले आप लोग जो दूसरे कैरेक्टर के जो स्किल का कार्ड है उसको लेके आ सकते हो और यहाँ पे डुओ स्किल खेल सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड में। और अगर आप लोग यहाँ पे अपडेट के बाद में जो ट्रेनिंग ग्राउंड में खेलोगे तो अभी के टाइम में आप लोग किसी को भी मारो तो आप लोग को HP नहीं मिलती है बट अपडेट के बाद में आप लोग किसी को भी मारोगे किसी भी एनिमी को किल करोगे तो आप लोग का जो HP है वो मिलेगी। सो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ये दोनों ही चेंजेस होने वाला है। सो ये सभी मैंने आप लोग को जितना भी चेंजेस बताया आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा ये आप लोग कमेंट में बताना। अभी तो और भी बहुत सारे चेंजेस है जो मैं आप लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी। और OB44 का जो अपडेट है आप लोग को प्ले स्टोर के अंदर 17 अप्रैल को सुबह 9 बजे देखने के लिए मिल जाएगा और 10 बजे आप लोग OB44 अपडेट करके गेम को ओपन कर पाओगे। सो आई होप कि आप लोग को बहुत सारी अपडेट पसंद आई होगी। तो चलो बाय बाय।